हम सब अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं, मैं करियर से रिलेटेड चीज़ों की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कई सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब हम अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, बहुत एनर्जी होती है, और कई सारे मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। अंदर से ऐसा लगता है कि कर भी पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, हमसे हो भी पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। फीलिंग्स और इमोशंस हम पर हावी होने लगते हैं, मन करता है कि क्विट कर दें। तो ऐसी सिचुएशंस में जब भी हिम्मत टूटती है तब हम क्या करें, मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। जब भी ऐसी सिचुएशंस मेरे सामने खड़ी होती है तो मैं अपने एक पेपर शीट निकालता हूँ और उसमें मैंने एग्जैक्ट लिख रखा है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये मैंने शुरू क्यों किया था, इस काम को मुझे कैसे करना है और एंड में मुझे ये सब करके क्या मिलने वाला है। तो जब भी मैं उसे देखता हूँ तो माइंड को याद आ जाता है कि हमने ये शुरू क्यों किया था, और जैसे ही इसका आंसर वहाँ दिखता है तुरंत एनर्जी आ जाती है। हमारा जो माइंड होता है ना बहुत भुलक्कड़ होता है, याद होते हुए भी वो चीज़ें भूल जाता है, इसलिए माइंड को ना बार बार चीज़ें याद दिलानी पड़ती है। माइंड को याद दिलाना पड़ता है कि हमने शुरू क्यों किया था, माइंड को याद दिलाना पड़ता है कि हम हिम्मत नहीं हार सकते, क्विट नहीं कर सकते इस सिचुएशंस में, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह छिपी हुई है। ऐसी सिचुएशंस में हम क्विट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वजह है क्विट ना करने की, क्योंकि हमें पता है कि हमने शुरू क्यों किया था और वो वजह बहुत बड़ी है, उस वजह से जिस वजह से हम हिम्मत हार रहे हैं। इन शॉर्ट, हमारी उस काम को करने की वजह बहुत बड़ी है जिस काम को हम अभी कर रहे हैं। अगर कोई इंसान कुछ भी करना चाहता है ना अपनी लाइफ में तो उसके अंदर ये क्वालिटी होनी ही चाहिए, ये समझ, ये अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर होनी ही चाहिए। कुछ भी काम आप जो करने जा रहे हो उसमें कुछ पल ऐसे जरूर आएंगे जो बहुत बुरे होंगे, जिसमें हम डीमोटिवेट होंगे, जिसमें हमारी हिम्मत टूटेगी, लोग हम पर हंसेंगे, क्विट करने का मन करेगा कई बार। तो ये समझ हमारे अंदर होनी चाहिए कि हर इंसान के साथ ये हुआ है और मेरे साथ भी ये ज़रूर होगा। तो जब मेरे साथ ये होगा तो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर रहूँ इन सब के लिए, चाहे मैं डीमोटिवेट हो जाऊँ, चाहे अंदर से फीलिंग्स कैसी भी हो, चाहे लोग मुझ पर हंसे, चाहे कैसी भी मुश्किल हो, मैं क्विट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ उसकी वजह बहुत बड़ी है और उसके आगे इन छोटी मोटी मुश्किलों की कोई औकात नहीं। लोग इसलिए तो काम में फेल हो जाते हैं क्योंकि बिना किसी वजह के वो काम को शुरू कर देते हैं और फिर उनके पास वजह नहीं होती उस काम को फिर से शुरू करने की जब वो डीमोटिवेट होते हैं। और अगर बिना किसी वजह के आपने कोई काम शुरू कर दिया है तो उसी में एक रीज़न क्रिएट कर दो। अभी जो आप कर रहे हो उसको कनेक्ट कर दो अपनी लाइफ के पर्पस के साथ में, और लाइफ का जो पर्पस है वो इतना बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि दुनिया की कोई भी नेगेटिव पावर आपको रोक ना पाए, इतना बड़ा होना चाहिए कि आप उस सुबह उठने के लिए संघर्ष ना करना पड़े, आँख खुली तुरंत बिस्तर से उठ गए, इतना बड़ा होना चाहिए कि अगर लोग आप पर हंसे भी तो आप उल्टा उन पर हंस दो। दिस इज अ पावर ऑफ व्हाई, एक रीजन, एक कारण, एक वजह, एक मकसद अगर है, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी तुम्हें रोक नहीं सकती। इस वीडियो में अगर एक भी लाइन ने तुम्हारे हार्ट को टच किया हो और अगर आपको लगता है कि मैं आगे भी इसी तरह आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनिए। मैं दीपक आपसे लेता हूँ अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।